दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिथा सिंह। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रबी फसलों के लिए तय हुए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। 1 अक्टूबर से रबी सीजन की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद जारी हुआ है रबी फसलों के लिए नया MSP। रबी फसलों के लिए MSP पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद बुधवार 3 अक्टूबर को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रबी फसलों के लिए तय MSP की घोषणा की। इस बार 19-20 में विपणन की जाने वाली 18-19 मौसम की जो रबी की फसलें हैं, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें जो गेहूं के लागत पर 112%, जौ पर 67%, चना पर 75%, मसूर दाल जो है उस पर लागत के 76.5%, तोरिया एवं रेपसीड सरसों पर 89.9% और कुसुम पर 50% लागत मूल्य से बढ़ोतरी, जबकि कुसुम पर मात्र पहले 31% समर्थन मूल्य था। तो इस प्रकार से गेहूं पर 105 रुपये, जौ पर 30 रुपये, चना पर 220 रुपये, मसूर पर 225 रुपये, तोरिया एवं सरसों पर 200 रुपये और कुसुम पर 845 रुपये की वृद्धि की गई है। हमारी सरकार का एक निर्णय है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, और आज जो MSP हमने फिक्स किया है, इससे किसानों को 62,635 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। बीते साल के MSP के मुकाबले इस वर्ष रबी फसलों का MSP अधिक है। बीते साल गेहूं का MSP था 1735 रुपये, जिसे इस साल 105 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1840 रुपये कर दिया गया है। गेहूं की प्रति क्विंटल लागत सरकार ने मानी है 866 रुपये। इस तरह बढ़ी हुई MSP के साथ सरकार के मुताबिक गेहूं किसान को लागत पर 112.47% का मुनाफा यहां मिल सकेगा। मसूर के लिए MSP में 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, और नया MSP जो घोषित किया गया है वो है 4,475 रुपये। इस फसल पर प्रति क्विंटल किसान की लागत निकाली गई है 2,532 रुपये, जिसके बाद तय MSP के जरिए किसान को मसूर की फसल से प्रति क्विंटल 76.74% का मुनाफा होगा। सरसों की MSP में 200 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य हुआ है 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार ने इस फसल पर लागत बताई है 2,212 रुपये। इस तरह मुनाफा जो यहां पर होगा किसान को, वो होगा 89.87%। कुसुम यानी सूरजमुखी की MSP में बीते साल के मुकाबले इस साल 845 रुपये के इजाफे के साथ MSP तय हुआ है 4,945 रुपये। प्रति क्विंटल लागत यहां बताई गई है 3,294 रुपये, यानी 50.12% का मुनाफा यहां किसान को इस फसल पर मिल सकेगा। इसके बाद चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछली बार के मुकाबले 220 रुपये ज़्यादा है, जिसके बाद चने का जो नया MSP है वो तय किया गया है 4,620 रुपये। इस फसल की प्रति क्विंटल लागत बताई गई है 2,637 रुपये, यानी किसान को चने की फसल से लागत पर 75.20% का यहाँ मुनाफा मिल सकेगा। जौ की MSP 30 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब हो गई है 1,440 रुपये प्रति क्विंटल। इस फसल की लागत सरकार ने बताई है 860 रुपये। इस तरह लागत पर मुनाफा MSP के बाद बन गया 67.44%। आपको बता दें कि रबी फसलों पर बढ़ी इस MSP के बाद किसानों को 62,635 करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्योंकि रबी की सभी फसलों की MSP 50% से लेकर 112% तक बढ़ाई गई है। इससे किसानों की आमदनी साल 2022 तक दुगनी तो होगी ही, साथ ही देश में खेती को प्रोत्साहन भी मिलेगा। किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रभावी खरीद तंत्र सुनिश्चित किया जा रहा है। FCI, NAFED,
SFAC और कई दूसरी नामी एजेंसियां किसान के फसल उत्पादन की खरीद शुरू कर रही हैं। इसके अलावा हाल ही में घोषित PM आशा से भी किसानों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।